नाजरीन अवामी न्यूज़ में खबरों का सिलसिला जारी है। हम आपको जामशोरों से खबर देते चले। मुल्क भर की तरह जामशोरों में भी मुर्गी के गोश्त कीमतों को पर लग गए। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं जामशोरों से रब नवाज शाह अपनी इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर जामशोरों कैप्टन रिटायर फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा की जेर सदारत दरबार हाल जामशोरों में मुर्गी की रोज बरोज बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने के लिए एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मार्केट कमेटी की जानिब से मुर्गी की मुकर्रर शुदा रेट से ज्यादा कीमत पर फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी फैसला किया गया। डीसी जामशोरों ने जिला के रेवेन्यू अफसरान को रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ मार्केट के दौरे करके मुर्गी के रेट को कम करने और सरकारी मुकर्रर करदा कीमत पर मुर्गी के गोश्त की फरोख्त को यकीनी बनाने के लिए हर इकदाम करने के साथ साथ जिला के मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर्स और मुख्तियारकारों को प्राइस लिस्ट को चेक करके रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट डीसी ऑफिस में जमा कराने की हिदायत भी की गई। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वन, असिस्टेंट कमिश्नर कोटरी, असिस्टेंट कमिश्नर थाना बूला खान, मुख्तियारकार कोटरी, मार्केट कमेटी के अमलदारों समेत मुर्गी के दुकानदार भी मौजूद थे। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awaminewsht.com।